कानपुर हिंसा का नया वीडियो भी सामने आया, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। एक के बाद एक तस्वीरों के माध्यम से भी कई खुलासे हो रहे हैं। सुनियोजित तरीके से हमले का ये वीडियो है, मतलब सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब तस्वीरों के माध्यम से भी ये देखेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कैसे पहले से प्री प्लान था सब कुछ, वो आप देख सकते हैं। इसके पहले भी जो तमाम वीडियो सामने आए हैं उसमें दिखाया, साफ साफ देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं कि अचानक से यह हिंसा हो गई। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग गलियों से अचानक जुमे की नमाज के बाद निकल जाते हैं, हाथों में पत्थर लिए हुए, असलहे लिए हुए, तो ये सब कुछ साफ साफ बताता है कि ये प्री प्लांट था। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे सहयोगी मनीष यादव ने हमें भेजी है। इस तस्वीरों को लेकर विस्तार से जानकारी मनीष हम तक पहुंचाएंगे। मनीष, ओवर टू यू, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, जो दावा किया जा रहा था कि हिंसा अचानक हुई और एक जुलूस निकाला जा रहा था जिसके चलते हुए मुस्लिम पक्षी लोग दावा कर रहे थे, काजी दावा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के विधायकों का ऐसा कहना था, लेकिन अब एक के बाद एक चीजें जैसे जैसे सामने आ रही हैं तब पता चल रहा है कि ये पूरा सुनियोजित प्लान था। एक पूरी तैयारी थी, महीने भर से पहले इसकी तैयारी हो रही थी। नुपुर सुरमा एक बहाना मिला और उस बहाने का बखूबी इस्तेमाल दंगाइयों ने किया, बलवाइयों ने किया। वीडियो में आप साफ आपको नजर आएगा कि कैसे दंगाई लूटपाट मचा रहे हैं। जो हिंदू तबके के लोगों की दुकानें हैं, कूलर को लूटा जा रहा है, बाइक को तोड़फोड़ की जा रही है, आगे किशोरों को रखा हुआ है जिनके मुंह पर कपड़े बंधे हुए हैं। तो ये लोग यहाँ स्थानीय लोग नहीं थे बल्कि बाहरी लोग थे, जो हयात जफर आशमी और उसके सहयोगी लोगों ने 3 दिन पहले तैयारी करके उन्हें बुलाया था। जो होटल में बैठक हुई थी उसमें इस बात की शायद स्ट्रेटेजी बनी थी कि बाहर के लोगों को आगे रखना है, जिनकी शिनाख्त न होने पाए, जिनकी पहचान न होने पाए, और एक एक गम पे बांध के रखना है। ये सब कुछ इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि कैसे जो उपद्रवी है वो दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। उनके हाथों में पत्थर हैं, वो फेंके जा रहे हैं, और ये सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखा गया था। अनुज हमारे साथ है, लगातार ग्राउंड जीरो से भी बने हुए हैं, मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुज का रुख करते हैं। अनुज, ये कहा गया कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, ये कहा गया कि ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का जरिया था जिसकी पहले प्लानिंग की गई थी, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट सामने आए, जो कल भी लगातार हम दिखा रहे थे, उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत लो, उनका बहिष्कार करो, गाड़ियां तोड़ो, आगजनी करो, यानी सब कुछ कुछ दिन पहले ही तय था और वो उस वीडियो के जरिए साबित भी हो जाता है। अनुज जी, बिल्कुल, और टाइम्स नाउ नव भारत पहले ही ये खुलासा कर चुका है कि किस तरीके से इस पूरे हिंसा की जो प्लानिंग थी वो करीब 8 दिन पहले ही कर ली गई थी, और बाकायदा इसकी पृष्ठभूमि जो है वो लगातार तैयार की जा रही थी। स्क्रिप्ट पहले से तैयार था, सिर्फ किरदार की बात थी, और इसी किरदारों को लेकर बाकायदा इस बाबत मीटिंग की गई थी, और मीटिंग के जरिए तमाम जो है वो प्लानिंग की गई थी। हालांकि इसकी आशंका जो है वो कहीं ना कहीं LIU को लग गई थी, इसी वजह से LIU ने इस बाबत जो है आला अधिकारियों तक मैसेज दिया था कि इस पूरे मामले में कुछ बड़ा हो सकता है। जाहिर तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से ये हिंसा भड़की, लेकिन अब ये बात एकदम क्लियर है कि ये केवल शांतिपूर्ण तरीके से बंदी नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, और साजिश के तहत ये हिंसा जो है वो भड़की। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ठेले पर पत्थर आए, हमने देखा कि कैसे पेट्रोल बम जो है वो बनाए गए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश थी, और इसी वजह से इस साजिश की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। ठीक है, हम वापस लौट रहे हैं जरा तस्वीरों पर, एक बार दोबारा से हमारे दर्शक भी नजर दौड़ा लें। आप देखिए दंगाइयों की तस्वीरें, किस तरह कानून से बेखौफ हैं ये लोग, नीचे से पत्थर उठाते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। देखिए ईंट उठाई इस शख्स ने, ये सफेद शर्ट में जिस आप शख्स को देख रहे हैं, आगे आता है, नीचे झुकता है, ईंट उठाता है और दूसरी तरफ मारनी शुरू कर देता है। देखिए किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ये लोग पहुंच रहे हैं, सिर पर टोपी है, ये देखिए मुंह पर मास्क है, मुंह भी छिपा हुआ है। आपको बता दें इस हिंसा को अंजाम देने से पहले कुछ CCTV भी तोड़े गए थे ताकि इनकी पहचान आसानी से ना हो सके, लेकिन पुलिस और ये सब पहचान कर रही है कि ये प्री प्लान्ड था, ऐसा नहीं था। अगर आपने CCTV तोड़ने का मन बनाया था तो अचानक ये नहीं हो सकता है। अगर आपने मुंह छुपा रखा है, ये अचानक नहीं हो सकता। और देखिए जो गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी है वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये शख्स अभी आएगा और इस मोटरसाइकिल को भी देखिए, ये देखिए गिरा दिया गया इस मोटरसाइकिल को, इसे नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थर उठा उठा करके फेंके जा रहे हैं। अलग अलग CCTV फुटेज जो सामने आ रहे हैं वो साफ साफ इस हिंसा की तस्दीक करते और बताते हैं कि किस तरीके से पहले से ही सोचा गया था कि नुकसान पहुंचाया जाएगा, गाड़ियां तोड़ी गई, दुकानें लूटी गई, आगजनी भी की गई है। बिल्कुल अनुज, तस्वीरें जो आ रही हैं एक के बाद एक खुलासा हो रहा है और उससे यही समझ आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश थी। PFI के लोगों का नाम सामने आता है और PFI प्रेस रिलीज करके कहती है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम नेता थे जो लोगों को, जो लोग उग्र हुए थे उन्हें समझा रहे थे, उनके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई कर दी।
अनुज। तो ये टोपी पहने लोगों को आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में। अनुज के पास हम वापस जाते हैं। अनुज, आवाज पहुंच रही है? अनुज, तस्वीरों से साफ है किस तरह ये लोग उग्र थे, किस तरह इन्होंने पत्थरबाजी की, नुकसान पहुंचाया, माहौल खराब किया। उसके बाद पीएफआई ये कहता है कि मुस्लिम नेताओं को परेशान किया जा रहा है, वो तो वहां पर पहुंचे लोगों को शांत कराने गए थे। जी बिल्कुल, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग मौजूद हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, लगातार वो पत्थर जो है वो उठा के दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। हालांकि लगातार जहां तक पीएफआई की बात की जाए, पीएफआई ये कहता रहा है कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कहते हैं कि झूठ नहीं बोलती। और तस्वीरों से साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से इस हिंसा की न सिर्फ पहले से प्लानिंग की गई, बल्कि इस हिंसा को किस तरीके से अंजाम दिया गया। बाकायदा ठेले पर पत्थर लाए गए, बाकायदा गलियों से लोग निकले और उसके बाद पथराव लोग जो हैं वो लगातार करते रहे। पेट्रोल बम जो है वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया, उसके बाद पेट्रोल बम बनाया गया। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से इस हिंसा की स्क्रिप्ट जो है वो पहले से तैयार थी और उसे किस तरीके से अंजाम दिया गया। साथ ही साथ एक पैटर्न जो है वो देखने को इस पूरी हिंसा में भी हमें मिला, जिस तरीके से हमने देखा था, चाहे जोधपुर की हिंसा हो, चाहे खरगोन की हिंसा हो, एक पैटर्न जो है वो सामने आया है कि कहीं ना कहीं हिंसा में जो नाबालिग हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अक्सर किया जा रहा है और उनको आगे किया जा रहा है। इस पूरे अगर हम सीसीटीवी फुटेज को देखें तो इसमें भी हमें देखने पर साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से नाबालिग को फ्रंट पे रखा गया और पत्थरबाजी जो है वो कराई गई। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से। बिल्कुल, वजह की एनसीपीसीआर ने भी ये रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि नाबालिगों को जिस तरीके से आगे किया गया उस पर भी कार्रवाई होगी। अनुज, जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा चाहे इधर जो हिंसा हुई, चाहे जहांगीरपुरी हिंसा की बात हम करें, चाहे जोधपुर हिंसा की बात करें, ये पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है कि कैसे नाबालिग को फ्रंट पे रखा जाता है, उनसे पत्थरबाजी जो है वो कराई जाती है और उसके पीछे की जो वजह सामने आती है वो ये है कि कानून, क्योंकि अगर नाबालिग पकड़े जाते हैं तो उनके उन पर जो कार्रवाई होगी, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। और इसी वजह से कहीं न कहीं ये पैटर्न साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कैसे नाबालिग लोगों को फ्रंट पे रखा जा रहा है और उनसे पत्थरबाजी कराई जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज को भी अगर हम देखें तो ये देखने पर साफ तौर पर पता चलता है कि बाकायदा गलियों से लोग निकल रहे हैं, गलियों में बाकायदा पत्थर जो है वो इकट्ठा किए गए थे और उसके बाद उस पत्थर से जो है पत्थरबाजी की जाती है। और फ्रंट पे किसको रखा जाता है? ज्यादातर फ्रंट पे नाबालिग को रखा जाता है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों की जांच जो है वो की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इसकी जो पृष्ठभूमि थी, हालांकि केवल जो मास्टरमाइंड है जफर हाशमी ये ही नहीं हो सकता, इसके अलावा भी ये बहुत बड़ा नेक्सस होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस होगा और इसका भी बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा किन किन के नाम इस हिंसा में शामिल है। अनुज, हम वापस आपके पास आ रहे हैं। कानपुर हिंसा पर आपको खुलासा दिखाया हमने, अब ये वीडियो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कितने वहां पर लोगों ने किस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश की। और देखिए कैसे गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, कैसे ये लोग इकट्ठा हैं, भीड़ जो है वो गलियों से बाहर निकलती है और जो कुछ भी सामने आता है उसे नुकसान पहुंचाती हुई आगे बढ़ती है।